हेलो बच्चों, आज हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमें ये पता चलता है कि जो काम है वो भूतकाल में जारी था। कंटीन्यूअस यानी जारी था और पास्ट यानी भूतकाल में। इसकी जो क्रियाएं होती हैं उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, जो ये बताते हैं कि काम लगातार चल रहा था पर पास्ट में चल रहा था। अब हम लोग इसके फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। एफर्मेटिव जो इसके वाक्य होते हैं उसमें जो फॉर्मूलाज होते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग एज इट इज़ सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज या वर का यूज़ होता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिला करके उसको लिख लेते हैं और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके साथ वॉज या वर का यूज़ करते हैं। आई के साथ, ही, शी, इट के साथ वॉज लगता है। वी, यू और दे जितनी भी प्लोरल फॉर्म्स होती हैं उनके साथ में वर का यूज़ करते हैं। उसके बाद में नॉट आता है और उसके बाद में जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा करके और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये हमारा नेगेटिव हुआ। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड है वॉज या वर वो आ जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वी वन प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अगर इसमें नॉट होता है तो सब्जेक्ट और वी वन प्लस आईएनजी के बीच में यानी सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म के बीच में हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं। और अगर WH वर्ड होता है तो सबसे पहले कब, क्यों, कहाँ, कैसे अगर सेंटेंस में है तो सबसे पहले why, who, whom जो भी है वो आएगा, उसके बाद में was वर्ब और फिर बाकी से सेम सेंटेंस इस तरह से चलेगा। तो बच्चों अब हम affirmative किसका पहला करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वी वर रीडिंग न्यूज़पेपर इन दी लाइब्रेरी, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, वी वर रीडिंग न्यूज़पेपर इन दी लाइब्रेरी। ये लड़के मतलब दीज बॉयज, ये यानी दीज, वे लड़के होता तो दोज होता, या दीज बॉयज, दीज के साथ में वर लगेगा, दीज बॉयज वर लाफिंग, हंस रहे थे, लाफिंग एट द ओल्ड मैन। सूर्य आकाश में तेजी से चमक रहा था, द सन, सन का इस कैपिटल, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, तेजी से चमक रहा था यानी ब्राइटली चमक रहा था, शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। कुछ बच्चे छत पर खेल रहे थे, कुछ यानी सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग, छत पर रूफ नहीं लिखेंगे, टेरेस लिखेंगे, वर प्लेइंग ऑन दी टेरेस। TERRACE टेरेस। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। वह आलसी लड़का बर्तन नहीं धो रहा था, दैट लेजी बॉय वॉज नॉट वॉशिंग, यहाँ पर क्लीनिंग भी कर सकते हैं पर वो साफ करना रहता है तो धोने का सीधा हम लोग वॉशिंग ही लिख लेंगे, दैट लेजी बॉय वॉज नॉट वॉशिंग दी यूटेंसिल्स, बर्तन यानी utensils। डॉक्टर मरीज को देखने नहीं जा रहा था,
द डॉक्टर वॉज नॉट गोइंग, देखने जाना यानी विजिट करना. द डॉक्टर वॉज नॉट गोइंग टू विजिट द पेशेंट. हरी सामान खरीदने दिल्ली नहीं जा रहा था. हरी वॉज नॉट गोइंग टू दिल्ली टू बाय द थिंग्स. बच्चे प्रार्थना सभा में नहीं एकत्र हो रहे थे. द चिल्ड्रन वर नॉट गैदरिंग, एकत्र होना यानी गैदर होना, गैदरिंग इन द असेंबली. Children were not gathering in the assembly. ये हमारा नेगेटिव हो गया. अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कर लेंगे. क्या गवाह झूठ बोल रहा था? Was the witness, गवाह मतलब witness, was the witness telling a lie, झूठ बोलना यानी telling a lie, सच बोलना यानी speaking the truth, question mark. तुम यहाँ किसे पढ़ा रहे थे? किसे, whom, whom were you teaching here? किसान फसल क्यों नहीं काट रहे थे? Why were the farmers, फसल काटना यानी रीप, why were the farmers not reaping, फसल को हार्वेस्ट बोलते हैं, reaping the harvest. वह कौन से फल खरीद रहा था? Which fruits was he buying? यहाँ fruits के साथ का वर्ण नहीं लगेगा, वॉज के ही के साथ का वॉज लगेगा. विच फ्रूट्स वॉज ही बाइंग. तो यहाँ हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म होता है. अब हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस शुरू करेंगे.